वेलकम टू सोशल। इन दिनों क्रिकेट बैटिंग या बॉलिंग परफॉर्मेंसेस से ज्यादा बॉल टेम्परिंग के इंसिडेंट से चर्चा में है, जहां सब ने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैंकक्रॉफ्ट ने बॉल टेम्परिंग की, जिसमें कैप्टन स्टीव स्मिथ भी शामिल थे। तो ऐसे ही क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कई बार बॉल टेम्परिंग केसेस रहे हैं, और इस वीडियो में हम आपको 3 इंडियन प्लेयर्स के बॉल टेम्परिंग से जुड़े इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, राहुल द्रविड़। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2004 में हुए ओडीआई मैच के दौरान राहुल द्रविड़ बॉल को शाइन करते नजर आए। जब कैमरा ने उनके हैंड मूवमेंट पर फोकस किया तो बॉल पे एक येलो चीज दिखाई गई, जो माना जा रहा था कि च्युइंगम का सब्सटेंस है, जिसकी वजह से द्रविड़ पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लगाया गया। द्रविड़ ने अपने डिफेंस पे कहा कि मैं बॉल टेम्पर नहीं कर रहा था, बल्कि गलती से च्युइंगम का सब्सटेंस मेरे सलाइवा से बॉल पर लग गया और मैं उसी मॉइस्चर को साफ करने की कोशिश कर रहा था। पर ICC के रूल्स के मुताबिक कोई भी प्लेयर क्रिकेट बॉल पर एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं लगा सकता, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो। द्रविड़ की एज अ फाइन 50% मैच फी काटी गई, और क्लाइव लॉयड जो उस मैच के रेफरी थे, उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि द्रविड़ का बिहेवियर हमेशा से ही क्रिकेट की स्पिरिट में रहा है, और ये बात बोर्ड ने ध्यान में रखी थी उन्हें फाइन देते हुए। वरना कोई और होता तो शायद उसे 2 मैचेस का बैन लगाया जाता या अपनी 100% मैच फी एज अ फाइन देनी होती। द्रविड़ को ये एलिगेशंस बिल्कुल पसंद नहीं आए, और जब वो नेक्स्ट मैच में बैटिंग करने उतरे तो सभी ने उन्हें क्राउड में सपोर्ट किया, और अपनी पहली 3 बॉल्स पर उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगा दी। नंबर 2, सचिन तेंदुलकर। 2001 में जब इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, तो सेकंड टेस्ट मैच के दौरान वो मूवमेंट सामने आया जहां सचिन बॉल की सीम पे अपने नेल्स घुमाते हुए दिखे। सचिन को इसके लिए बॉल टेम्परिंग का चार्ज लगाया गया और उन्हें 1 टेस्ट मैच के लिए बैन भी किया गया। इस टेस्ट मैच के मैच रेफरी माइक डेनिस थे, और सारा इंडियन मीडिया और फैंस उन्हें क्रिटिसाइज करने लगा, क्योंकि सचिन के अलावा भी डेनिस ने 5 और इंडियन प्लेयर्स को 1 टेस्ट मैच का बैन लगाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि डेनिस के मुताबिक सहवाग, हरभजन, दीपदास गुप्ता, शिव सुंदर दास, ये सब फील्डिंग के दौरान हद से ज्यादा अपील कर रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक साथ इतने प्लेयर्स को सिर्फ एक्सेसिव अपीलिंग के लिए बैन किया जा रहा था, और साथ ही साथ इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली को 1 टेस्ट मैच और 2 वनडे मैचेस के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि डेनिस का कहना था कि कैप्टन होने के नाते उन्हें अपनी टीम के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए था, पर ऐसा वो नहीं कर पाए तो उन्हें भी इसकी सजा मिलेगी। ये सब तो हुआ ही, पर फिर जब सचिन को बॉल टेम्परिंग के लिए बैन किया गया तब पूरी सीरीज खतरे में आ गई। सचिन ने बॉल टेम्परिंग के इल्जाम को अपने ऊपर लेने से मना किया, और इंडियन बोर्ड ने डिसाइड किया कि अगर ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो माइक डेनिस को 3rd टेस्ट में मैच रेफरी नहीं रखा जाना चाहिए, वरना इंडिया टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेलने मैदान पर नहीं उतरेगी। ICC इंडिया की एक भी बात मानने के लिए राजी नहीं थी, पर साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने इंडिया का साथ दिया, क्योंकि अगर इंडिया मैच नहीं खेलती तो उनके बोर्ड को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान पहुंचता। तो 3rd टेस्ट मैच एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच की तरह खेला गया, और सभी बैंड प्लेयर्स ने अपना बैन पूरा किया उस टेस्ट मैच में ना खेलकर। तेंदुलकर से जब भी इस बॉल टेम्परिंग इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा वो इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। Referee Mike Dennis accused you of ball tampering. How did you personally deal with it? I think just leave that. You won't answer that? No, I don't think so. I don't need to get into all those controversial things. अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक में सचिन ने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा है, जहां उनका कहना था कि मुझे बहुत शॉक हुआ ये सुनकर कि मुझ पे बॉल टेम्परिंग का चार्ज लगाया गया है। मैंने अपनी क्रिकेट हमेशा ऑनेस्टी से खेली है, मैं कोई चीटर नहीं हूँ। नंबर 3, विराट कोहली। 2016 की इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के प्लेयर्स ने विराट कोहली पे एलिगेशंस लगाया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, क्योंकि विराट ने बॉल शाइन करने के लिए च्युइंगम के शुगरी सलाइवा का यूज किया था, और जैसा द्रविड़ के केस में हुआ था कि कोई भी प्लेयर बॉल की सीम पे कोई एक्सटर्नल एलिमेंट का यूज नहीं कर सकता, तो उसी तरह कोहली का भी बॉल टेम्परिंग केस बैन बन सकता था। पर हुआ यूं कि ICC के रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी टीम को कंप्लेंट करनी होती है तो उनके पास 5 दिन का समय होता है, और इंग्लैंड ने ये डेडलाइन मिस कर दी थी। इसी वजह से विराट कोहली और इंग्लैंड टीम का लगाया गया आरोप न्यूज में तो आया, पर कभी कोई ऑफिशियल वर्ड इस पे नहीं दिया गया। I'm surprised the issue actually of whatever I've been told came up in Rajkot, but there was no mention till we saw the result in Vizag. So
See, to me, a newspaper article doesn't matter over the decision of ICC. You know, we as cricketers respect that only. And I'm not aware of those things. I was told 5 days after that thing came out that something like this has happened, and I laughed it off because I don't pay attention to all those things. It's just some people are trying to take the focus away from the series. Good luck to them, but we are totally focused on what we have to do in this game. So, chaliye, that's a wrap on this video. Aapko ye video kaisi lagi? Hame apne likes aur comments ke zariye zarur bataein. Aise aur bhi interesting videos ke liye dekhte rahiye social. Har us cheez ke liye jo aap janna chahte hain.